Whatever you can achieve in your life, we take effort and life is fully changed. Hey, good morning beautiful people. आप कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे आई होप, क्योंकि मैं अच्छा हूँ तो आप अच्छे हैं और आप अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। तो ये पंचलाइन मैंने कहीं पे सुनी थी तो आज मैंने यूज़ कर डाला। तो अभी बज चुके हैं 8 और आज का डे चालू होता है अब। तो गाइज, आपके इतने मैसेज आए, DM आए कि भैया व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैं बिज़ी था। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि एक नागपुर में हमारी एक जगह है जहाँ पे हम कुछ करना चाहते थे। तो वो जगह पे हमने अभी एक मिनी मार्ट और एक मिनी कैफे ओपन कर लिया है और वो सिलसिले में मैं बिज़ी था। तो अभी फाइनली सेटअप हो चुका है और अभी मुझे टाइम मिला तो मैं व्लॉग शूट कर रहा। ये व्लॉग है ना, आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें मैंने जो पूरा प्रीवियस एक्टिविटी किया है एक महीने के अंदर, तो इसमें मैंने पूरा पोस्ट किया हूँ। तो आप देखो, क्योंकि बीच में हम कहीं पे घूमने भी गए थे तो वो फार्म हाउस पे गए थे। तो अगर आपने मैं इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर रहे तो उसमें मैंने पोस्ट किए थे। तो कोई बात नहीं, इसमें मैं शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा, यानी कि आप वो सीन एंजॉय कर सकेंगे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. तो अभी जो आपने फार्म का सीन एंजॉय किया, तो ये फार्म है डोंगर गांव में और काफी बड़ा फार्म है, यानी 10-20 एकड़ में है पूरा फार्म और काफ़ी अच्छा है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है समझ लो। और एक दिन ऐसा आया कि हम सब टायर्ड थे, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ा फन के लिए तो हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं था, मेरी फैमिली थी, मेरे फैमिली फ्रेंड थे, तो हमने वीकेंड वहाँ पे एंजॉय किया, काफ़ी सारा मज़ा आया। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियो पोस्ट किए थे। अगर आप मेरा इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करते होंगे तो स्क्रीन पे आपको इंस्टा आईडी मिल चुका होगा, तो वहाँ पे जाके आपको इंस्टा आईडी को फॉलो करना है। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये मेरा बचपन का स्कूल है, यानी 1st to 10th स्टैंडर्ड मैं ये इन्वायरमेंट में पला बड़ा। तो यहाँ पे अभी खेती हो रही है और आप पीछे देख रहे तो वो एक पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम पढ़ते थे 1st to 4th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे पढ़ता था। तो ये जगह पे हम आए हैं, तो आज क्यों आए हैं? तो यहाँ पे ये जो एरिया में है, हमारा बचपन का दोस्त रहता है, तो उसको मिलने को आए थे। तो बोला चलो, बोला आपको भी दिखा दूँ मैं कि हमारा पहले का स्कूल कैसा है। यानी वो बिल्डिंग में अपन जा सकते हैं पर बीच में है खेती और जाने के लिए रास्ता उधर से है, तो यहाँ से ही मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा। तो बचपन की जो यादें रहती है और जो मोमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, इंजॉयबल। हमने काफ़ी सारे इंजॉय किया और यानी बहुत सारी मस्ती की, टीचर लोगों को तंग किया, यानी एक अभी जब बड़े हो गए तो अच्छा लगता है, वो सभी यादें ना अच्छी लगती है। तो
मेमोरीज है भाई, मेमोरीज है। तो अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बज चुके हैं 12:30 और अभी जाना है हमें डी मार्ट। तो कैफ़े के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेना है। कैफ़े छोटा हो या बड़ा हो, चीज़ें तो लेना पड़ता है। तो उसके लिए डी मार्ट एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। तो चलो डी मार्ट चलते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी। तो ये ले लेते हैं, किचन की साफ सफाई करने के लिए यूज़ में आ जाएगा। और ज़्यादातर फेंट कलर ही लेना। तो ये कैपेचिनो मग, जिसको बरिस्ता मग भी बोलते हैं, तो ये कॉफ़ी के लिए काम में आ जाएगा। चलो फाइनली कैफ़े वाली शॉपिंग तो डन हो गई है। बहुत सामान लिया डीमार्ट से आज। तो लंबा चौड़ा बिल आया, हमने सोचा था 1000 में हो जाएगा पर 2000 में हो गया। चलो कोई बात नहीं। आज अपन कहाँ पे गए थे, डीमार्ट गए हैं और काफ़ी सारी शॉपिंग की है। तो कैफ़े छोटा हो या बड़ा, तो शॉपिंग तो करना बनता ही है। तो चलो यहाँ का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले सभी व्लॉग इंटरेस्टिंग रहेंगे क्योंकि कैफ़े रिलेटेड ही रहेंगे। तो चलो गाइज, बाय बाय, स्टे ट्यून विद मी एंड शाउट एंड अप। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट तो ज़रूर करो। तो चलो एक नए व्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।